भूमिका के अंदर भाव होता है नाम बा कैसे जहां सुरमा के हिंद था अखाड़ा लड़े आल्हा बुदलोरी के जांग साली कभी राणा सीवा की हलचल मची थी कभी सी सिकंदर के गूंजी थी ताली कभी भीष्म अर्जुन का डंका बजा था कभी काम रुस्तम की उमड़ी जवानी कभी जंग में जौहर दिखाते बहादुर कहे जो खन ऐसा है भारत का पानी गौर करेंगे बाबूजी जहां सुरमाओं का हिंद था अखाड़ा लड़ाई अल्हा उदल लोरिक जंग साली कभी राणा सीवा की हलचल मची थी कभी सिकंदर की गूंजी थी ताली फिर हमें एक लाइन कवाली का टुकड़ा बा कौन कवाली है मास्टर कौन लड़की अपने सखियन से बतावत थे अपने प्रेमी की ओर इशारा कैले रहन का अरे जब उसे इनकी अरे जब उसे इनकी जवानियां चढ़ी है अरे जब उसे इनकी जवानियां चढ़ी है अरे ये हसीनों के पीछे पड़े हैं ये हसीनों के पीछे पड़े हैं लेकिन बिरहा में कभी जी भाव निकलन भाव है कहना हो कैसे अरे जो कहानी लहू में रंगी है अरे जो कहानी लहू में रंगी है अरे उसको इतिहास के अंदर कैसे बीरो की मान होती है बिरताई के चलते सागर की मान होती है गहराई के चलते सिंह हो की मान होती है फुटबॉल दहाड़ों से
कलिंजर नगरी। आ वही कलिंजर नगरी के रहे वाला राजा बीरमणि सिंह बड़ा नामी राजा रहलन। एक दिन राजा ऐलान करवा दिए, कोई है माई के लाल जो लड़ाई के मैदान में हमें हरा दे, और जौन लड़े वाला वीर हमें लड़ाई के मैदान में हरा दी, ओके सोना चांदी हीरा जहरात आधा राज आधा पांच टुकड़े बदे इनाम बा। ए बाबू चारों तरफ नगाड़ा बज गई, चारों तरफ डुगडुगिया बजल हो। एहर मोहबा के बगल में कलिंजर नगरी, अब वही कलिंजर नगरी के राजा ऐलान कैले हूं कि जे हमके हराई वही के सोना चांदी हीरा जहरात दे। बात धीरे धीरे उड़ते उड़ते गगन सिंह के पास पहुंचल। आज जब गगन सिंह के पास पहुंचल है पंचो गोंडा के रहे वाला गगन सिंह, सेना साज के राजा के किला पर चढ़ाई कर दिया। लड़ाई के मैदान में एक बात बता दी है पंचो, कतनो बढ़िया गवैया हो, कतनो बढ़िया बजवैया हो, कतनो बढ़िया चढ़वैया हो, जवने आदमी के अंदर अहंकार घमंड आ गई कि ये धरती पर हमसे नीक गावे वाला केहू है ये ना। एक बात नोट कर लीजिएगा, उसी दिन से विकास के रास्ता बंद हो जाती है। खूब गाइए, खूब लड़िए, खूब बजाइए, लेकिन अहंकार के भावना अपने अंदर कब्बो ना लावे के चाहिए। लड़वैया तो बड़ा नामी रहलन, लेकिन घमंड यही कबारे के ऊपर चढ़ के बोलत रहन। चार दिन के लड़वैया था गगन सिंह, लड़ाई के मैदान में बीरमणि सिंह राजा के हरा के बंदी बना लिया। ए भैया राजा के बंदी बना लिया, लेकिन गगन सिंह भी यहाँ गलत कैलस, जो लड़ाई के मैदान में बात भई रहल उतना तक सीमित होके के चाहिए। बात यह रहल कि जे राजा के हराई आधा दौलत ली, घोड़ा ली, सोना चांदी हीरा जहरात ली, लेकिन गगन सिंह यहाँ उल्टा कर बैठा। राजा के हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाल के बीरमणि सिंह राजा के ही बंदी बना लेलस, ले जाके घर में बंदी बना के महल में रख लिया। बीरमणि सिंह के दुलही अपने सैया की निशानी यही पेटे में लेके ढोवत बाड़ी। 9 महीना बाद माई अपने गोद से दो ही बेटा और एक बेटी के जन्म देत बाड़ी। बेटवा के नाम रखली राज सिंह, आ बिटिया के नाम रखली चंचल। बच्चा बाड़न दोनों लड़का ना समझ में आवत बा। धीरे धीरे दोनों लड़का लड़की जब बड़ भइल हुवन त गौआ के लोग ताना मारे लगल। अरे तोहन के अपने बाप के मुंह ना देखला, तोहन के अपने बाप के हुआ कि नजायज हुआ यो तोर माई ना बता पाई, लेकिन बड़ा सीना चौड़ा करके चलेला शर्म ना लगत। एक दिनवा लइकवा लइकिया दोनों आके माई से ठान बिठान डाल देलन कि माई रे बाबू जब जियत हुवन तब बाबू हवन कहा, आ जब बाबू हवन तही तोहर मंगिया सुनी कहे बा। सबकर माई मंगिया में सिंदूर पहने नहीं, लेकिन तोहार मंगिया उघार रहेला कहे माई। बहिनिया 5 पैसा के सिंदूर किन के लाई रहल, सिंदूर खोल के माई के हथवा पर रख देलस, कहे कि माई रे तू जो भर मांग सिंदूर पहन के आओ। माई रोवे लगल कि अरे बेटा 16 साल बाद आज के उ लहकल आग बुताई लाग लहका देलस। जानल चाहत हुए तो गुंडा रियासत के रहे वाला गगन सिंह तोरे बाप के बंदी बनवलस, वही दिन प्रतिज्ञा कर गई नी, कसम खा गई नी कि जबने वो पपिया के छाती के खून से है अपन केस सवारम ना, तबले मांग में सिंदूर ना पहिनब। दोनों भैया बहनिया अपने माई के पकड़ के रोवे लगलन कि अरे माई जब हमन से छुपा के रखे के रहल तो सौरिये में नटई दाब के कहे ना मार देलू। आखिर दोनों भाई बहन अपने माई से कहले कहुन ग्रह में एक लाइन गीत हो। आए हाय स्वर्गीय रामदेव गुरु जी
ए लाइन के गावत रहलन का गावत रहलन मास्टर अरे झोलनिया के गुजवा अरे झोलनिया के गुजवा और टूटल अरे जवनिया में गड़िया छूटल ए राजा कहले हुन का कहन अरे है दहिया में आ गया अरे दहिया में आ गया लगावलू ये माई अरे बबर से रबा जान मवलू ए हे माई गगन सिंह कुटनी भेजलस की जो देख या ओकरे गर्भ में बच्चा छोड़ के आई रही अगर बेटी पैदा कैले हुई तो हमार जुगाड़ लह जाई अगर बेटवा पैदा कैले हुई तो हमारा जान के दुश्मन बनी आइल कुटनी देख के गईल जा के गगन सिंह से बतौलस की सुन बेटी तो इतना सुघर पैदा कैले बिया कि मालूम पड़त है कि चांद उतर के धरती पर खड़ा है लेकिन बेटा भी कम ना हा। ए पतिया के गगन सिंह सुनलस त एगो चिट्ठी लिखलस आ चिट्ठिया भैया राज सिंह पवलन त कहलन का कहलन अरे देले बसाला सियार है चुनौती अरे बहिया समर में पूजई हा भगवती खले रहे कि अरे राज सिंह तोरे बाप के अबहिन तक अपने किला में हम जिंदा बंदी बना के रखले बानी सुनतनी कि तोरे वो बहिन बिया बड़ी सुघर बिया अगर तू अपने बाप के जान बचावल चाहत बाड़े तो एक रात बदे अपन बहिन के डोला हमरे किला में पहुंचवा दे हतना बाबू भैया लोगन बैठल बानी आप अपने करेजे पर हाथ रख के सोची कितना हूं उसका बाप गरीब रहेगा कितना हूं उसके पास पैसा नहीं है नमक रोटी मेहनत मजदूरी करके अपन बहन अपने बेटी के घर में जियावत बा खियावत बा अगर केहू ओकरे सम्मान और स्वाभिमान के संगे खेलल चाहिए तो वो मर जाएगा लेकिन अपने सम्मान और अपने घर के इज्जत लीलाम नहीं होने देगा भैया राज सिंह चिट्ठिया के पढ़ालन बैठ के जर्जर जर्जर रोवत हुआ ये सोचत हुआ कि बहिनिया के बचावत ही तब माई के सुहाग लुटल जाई अब माई के अगर सुहाग बचावत बनी तो हमार सोना जैसन बहिन लुटल जाई हम केकर वाला करी ये भगवान कुछ समझ में नहीं खे आवत दो दिन से अन पानी छूटल हा भैया घर में गिरल हा बहिनिया घबराए लगल कलश के का हो ए भैया माई बौरहिया पागल हो जाए चाहे ले रोवत रोवत खात पियत ना हुआ का बात बा तबले चंचल उ चिट्ठी पर चंचल के नजर गई बा चिट्ठिया के खोल के पढ़े लगल पंचो लड़की बिया लेकिन रोम रोम में खून खोलने लगा बहिनिया कहले का बिया बिरहा में अकलन गीत बा मास्टर Bye.
बा कौन लड़की अपने सखियन से कहले बिया आइले मोरे राजा लेके ढोल बाजा लेकिन बहिनिया कहले भी अपने भैया से कहला कि सुना मरद हुआ तो मरद ऐसा बात करा घर में सुतले से काम चली उली नहीं। एक नारी एक कबला हो के कितना उसके अंदर जुनून है और जोश है कह रही है क्या दुश्मन से लौट के झंडा गाना चोरी पे सुहाग बची ना तो देदा देदा हमार डोला ये कुर्बानी देवे बदे हम तैयार हैं। खींच के थप्पड़ भाई बहन के गाल पे मारता है बोला खबरदार जुबान पे लगा मरा के बात कर एक भी लफ्ज बाहर निकाली तो खींच के तेरा जुबान हाथ पे रख दूंगा। रोने लगी कि मारा मारा भैया मारा लेकिन तू का जनबा हो कि एक अबला एक नारी के दुख का है। माई हमार विधवा ना ही है माई हमार सुहागन ही है लेकिन 16 साल से आंसू पी पी के रतिया बितावे ले अपने पति के इंतजार में। ए भैया जब जब राखी के त्योहार आयल तोरे कलाई में राखी बांधा था नहीं कबो कुछ ना न मंगनी लेकिन आज एक बहन अपने भाई से राखी के बधाई भीख मांग रही है। भाई रोने लगा उठा के सीने से लगा लेता है कहता है रे पगली तू जान मंगवी जान निकाल के तोरे कदम में डाल दे कलश के हमें जान ना चाहिए तो चाही का 3 वचन बनवा के कलश की जवन मांगब तवन देवे के हुई। 3 वचन बनवा ले लस अपने भैया से अकालस की सुना ए भैया मरद वही के कहल गई जब जैसन तब तैसन ना बुझे तो मरद कैसन सही कहला कलंक कबो कबो बल से ही काम ना लिहल जला कबो कबो बुद्धि के भी भिड़ा के मार कइल जला कहला मतलब कलंक की सुना बुद्धि ये लगावा ई जतने हमरा शरीर पर सिंगार पोशाक देखत हुआ तू अपने शरीर पर सजा ला आय अपन वाली पोशाक तू हमें दे दे कलम मतलब कहलस कि तू लड़की बन जा हम लड़का भैया 2 कदम पीछे हट गेलन केहू हट जाई की कला रे पगली आई मरद के शरीर एमे कवन कवन सिस्टम आई हां क नंबर कर लिया आई कलंस की वचन देले हुआ तो वचन से कटे के ना हुई तो कभी जी 4 लाइन बीरस के विरह में यहाँ 4 लाइन सिंगारस लिखले हुन कैसे बहिनिया के बतिया मान के भैया राज सिंह मेहरारू के सिंगार अपने तन पर सजवले हुन कैसे भैले का जरा कटार खन के चूड़ी चाटक गले मोती अन के हार घेरा दार लहंगा चोली में गोली के सजाना छम छम पायल के झुल में झुलफा लहर औने झोपे दार लहा टिकली लिहले लगाई हिरनी जैसा फिरी का
अगर चले लहराई ढाले प्यार लहा आँख में मरकहवा काजर, होठ पर होठ लाली, कान में कनबाली, अतना अपने के सुंदर बनवलन, छलकौवा साड़ी पहन के कचकचवा रूप बना के जब ठमक के चललन, तो देखे वाला देखवैया कहा जिंदगी में बड़ा मेहरारू देखनी। लेकिन एक जैसा ना है भैया, इन्हें समझावा जौन हाथ ऊपर कक बतावत हुन ए भैया यहाँ बहिनिया के हालात कहा ना कान के झुमका बाली निकाल के रखलस बार के बनलस जूरा जूरा को पर मुरेठा नकली मोछ लगा के धोती कुर्ता पहन के तलवार लेके जब चलल है तो देखे वाला देखवैया कहा वीर के पहचान आई तो लोगन के का मालूम बा खीव कमन थी और कमन था गगन सिंह के किला में घोड़ा पर सवार होके बहिनिया भैया के भेष में मोछ ओछ लगा के तलवार लेके टाइट पहुंचल हिया भैया मेहरारू के भेष में छलकौवा साड़ी में घूंघट में हुअन मचल गगन सिंह के किला में हड़कम मार हल्ला होत बा या गई बसंती का बोहिन आ गई मार हल्ला मचौले होन कुल तो भैल का ब्राह्म एक लाइन गीत है मास्टर ये हमारा कैसेट का गीत बजावत हुन ओ कैसेट में हम गवले रही कैसे अरे दादा ये लहिका अरे दादा ये लहिका कब कब पड़ल बा हमरा पीछे गगन सिंह के पहाड़दार जाके खबर देलस कहे साहब तोरे जिंदगी में बड़ा मेहरारू ऐनी या गईनी बतावत बाकी कतना उस घर भी आ कैसे मास्टर अरे दादा रे दादा हूँ ना गिन अरे दादा रे दादा हूँ ना गिन दिया लागत सबके मुआई ओकरे भाई के बंदी बना दा आइए जो खूबसूरत लड़की आई है हमरे बेडरूम में ले जाके मखमली सेज लगावा चार मिला बहिनिया के पकड़ के उ तो भैया के भेष में बिया जहां बाबू बंद हुन वहां ले जाके बंदी बना देलन अब भैया मेहरारू के भेष में हुन उनके बड़ा कुल प्यार से बुलावत हुन कलने गोरी बड़ी दूर से आई हौ प्यास उवास तो लगले होई चलो खा जा फोर ले हल जा ले गलन कुल घरे में हला के छोड़ देलन
कलन की यही घर है मेरा। साहब के जब टाइम हो अपने टाइम पे यही हन तब बजाई हन। का बजाई हन? दरवाजा का सिकरी बजाई हन। अच्छा, कुल घर में हला के छोड़ देलन। आई हो बिन मूड अपन बनावत बा, पी पी के अपन मूड बनावत बा, मूड बना के पहुंचल ह विरह में। एक लाइन गीत बा मास्टर। अरे मिहलाल बा बहुरा बलमुआ, मिहलाल बा बहुरा बलमुआ, चलो बिछाना बा तोरी रे। मालूम बा कि हमार मौत वही घरवा में इंतजार करत था। जाके वही दरवाजे पर कहत बा, हेलो डार्लिंग, तुम किधर हो डार्लिंग? डरलांग इधर बैठा है। डरलांग के कहल गई? डार्लिंग का दुल्हा के हो? अरे बाप रे, ए भैया ए हर राज सिंह मेहरारू के भेष में फट से घूंघट में सारी उरी सहियार के अब दरवाजा खोललन। लाइट बरत हा चमचम चमचम चमकत बा साड़ी में। आ जब ही देखलस त आधा हाफ हो गई मेहरारू जान के भोर कवर। अरे भैया ई माए का हो? हां साजे ले कम बोला था तो भी कम देतला भाई। अखिया फूट गया अब मैगिया के हम का करत थी, हम भाव बतावत थी। मेहरारू जान के कवारी में धैले हा। आ जब मेहरारू जान के कवारी में धैला सो हर मरद के शरीर लागल मोटर धुआं देव के वहां तू का करत रह? पुआरा डालत रहले। ए भैया अखबारी में धैले हा वो समय के बात कभी लिखत होन कैसे? अरे कहे गगन सिंह यही रे दादा, कहे गगन सिंह यही रे दादा, अमर सब उतरल चांद रे। अरे मरद के शरीर राज सिंह के खून खौले लगल की। अरे एकर अतनी हिम्मत? अगर आज हमार बहिन हो तो हम कहीं के ना भइल होती। खींच लिया घोड़ा के कोड़ा और लगल वही घोड़ा के कोड़ा से मारे, मार को ही पलंग के नीचे बेहोश कइले हा। भैया के सारा बहिनिया समझ गई, हजारों लोगन के बंदी बनौले हा। कोना में बाबू बैठल हुआ, चेहरा पर पाकल पाकल दाढ़ी, फटही कपड़ा में एक बुढ़ा आदमी वही कोनावा बैठ के रोवत हुआ। चंचल सनाम बर्दास भइल, पूछो पिया की ए बाबा आओ तू खाना ना खैला पनियो ना पियला, खाली रोवत बाड़ा, का बात बा तोरे परिवार में के लोग ना आवेला भेंट करे? वो बुढ़ा आदमी रोने लगा के रे बच्ची, ये दुनिया में हमार कोई ना बारे, एगो हमार पत्नी भी आ, वो पता ना पगली जियत भी आ कि मर गई। नाम का है बाबा? हमार नाम बीर मणि सिंह राजा है। तलवे के नीचे से जमीन खिसक गया और वो बेटी के आंख में आंसू आ गया। बाप के हाथ के हथकड़ी और पांव के बेड़ी काटती है और सर पे बांध के कफन लड़ाई के मैदान में कूदल है।
के अंदर भाव है मास्टर बा। अरे बाजल ढोल नगारा सज गए देती है बचाल हाहाकार की। अरे वीरमणि सिंह के बेटी और बेटा पूरे राजा के गगन सिंह के किला के घेर चुके हैं। तो भैल का टेरी के अंदर भाव है मास्टर। अरे रियासत में हंगामा मच गया, अरे रियासत में हंगामा मच गया, धावो बोल दिया दुश्मन पर वीर बलिदान मारे बलिदान मारे बलिदान। ए बाबू बारे वो बेटी यही दुपट्टा के कमर में बांधती है और एक हाथ में तलवार एक हाथ में खप्पड़ लेके पपिया गगन सिंह के गर्दनिया काट के लेके मुड़ी के हाथ में यही तरह पकड़ के चलल भिया। तब मालूम पड़ा था कि सामने से चंडी उतर के चल देनी। ए बिरहा सुनने वाले बाबू वादाने पर यही नारी आपके घर में बहिन के रूप में बेटी के रूप में बहू के रूप में माई के रूप में देखल जानी। वक्त आने पर यही नारी दुर्गा चंडी के रूप में देखी जाती है। वक्त आने पर यही नारी बाजार के बेस्या के रूप में देखी जाती है। लेके पपिया के मुड़ी चलल है तो भाई का भाव है मास्टर। धुरंधर बन के रही है आ रणमाया दानावा में होई नारी। शर्मा के बेटा हो सियार नहीं हुई, रणमाया दानावा में जुझ गई ने जूझा। गौर करेंगे बाबूजी एहर बहिनिया पपिया के मुड़ी लेके जब पहुंचल भिया हो पंचो 16 साल से जेकर पति उसे दूर बा अजियत भी बिया तबो एक विधवा के जिंदगी जिये ले बिया। गौर करेंगे बाबू पपिया के खुनवा से माही के सिया सवार के मंगिया में सिंदूर पहिनलस पति पर नजर गईल दौड़ के जाके यही अचरा के लगा के पैर के चुमले है तो बिरहा के निचोड़ में लिखे के पड़क से
जीव जंग के जंग साली अरे है बहबा के नगरी रखला नहर दौ जवनवा हो पुरपज की पगरी एक बेटी की कहानी कोनो जरूरी ना है कि बेटी बिया तो वो कुछ ना करी नहीं बाबू इतिहास उठाकर देख लीजिए बेटी कहां ना है सरहद से लेके सीमा से लेके अखाड़े से लेके राजनीति से लेके कोई भी क्षेत्र हो उठाकर देख लीजिए नारी भी चढ़बड़ के हिस्सा ले रही है तो आखिरी बंद में भाव है मास्टर गुरु बिहारी गुरपत्तु एक शोला एक सैला काशी पुल्लू सुखनंदन अरे गुलशन के गुलगुलाब रियासत में हंगामा मच गया रजनी कभी जखन बिरहा में